अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो आप लोग खैरियत से हैं। माशाल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। और आज जो रेसिपी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है मटन खिचड़ा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने आधा किलो गेहूँ ले लिए थे और 100 ग्राम चौली ले लिए थे। इसको अच्छे से धो लेने के बाद हम लोग इसको भिगा के रख दिए थे कम से 9 से 10 घंटा। दूसरे तरफ हम लोग ने सुबह में ये दाल भी भिगा लिए थे। ये दाल के अंदर थी तुअर की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। इसका रेशो था 1 कप, आधा कप और उससे आधा। ये तीनों को भी हम लोग ने 2 से 3 घंटे तक भिगा के रख लिए थे। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो रात को हम लोग ने जो ये जो गेहूँ था, जो व्हाइट पॉलिश वाला जो गेहूँ बोलते हैं वो, और चौली, ये जो दो को हम लोग ने भिगा के रख दिए थे। तो भिगाने के टाइम पे ये दाल को अच्छे से धो लिए थे, तो इसको यही पानी के साथ डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक और डाल देंगे 2-3 ग्रीन चिली। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो, जो ज़्यादा तेज खाता है वो ज़्यादा भी डाल सकता है, ठीक है। और ये सबको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके हम लोग इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। 3 फास्ट विसल, स्लो लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बाद में ही पकेगा। 3 फास्ट ले लीजिए, थोड़ा पानी लगता और लगेगा बस। बिस्मिल्लाह, अब इसको हम लोग प्रेशर कुक कर लेते हैं। 3 विसल, ध्यान रखिए कि नीचे से चिपके नहीं। फाइनली 3 विसल होने के बाद ये देखिए हमारा गेहूँ और चौली अच्छे से गल गया है। और इस पॉइंट के ऊपर हम लोग इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, ताकि ये दोनों अच्छे से ठंडा हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अभी नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे दाल को चढ़ाने की तैयारी। दाल को बॉईल करना है, जो हम लोग ने दाल भिगाए थे 2-3 घंटे के लिए, तभी ही उसको अच्छे से वॉश कर लिए थे, ताकि अभी बॉईल करने में हम लोग यही पानी यूज़ कर सके, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। अभी इसमें हम लोग डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम लोग डाल देंगे नमक। अभी हम लोग को ये दाल को बॉईल कर लेना है और कम से कम इसको 3 विसल ले लेना है फास्ट पे। अब विसल हो जाने के बाद ये दाल को वापस हम लोग एक कंटेनर में निकाल के रख देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, हम लोग इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं मसाला। मसाले के अंदर हम लोग को चाहिए अदरक, लहसुन, मिर्ची एज पर योर चॉइस आपको कितनी चाहिए, और कोथमीर। ये सबको हम लोग को पीस कर रेडी कर लेना है। अभी नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है, हम लोग को गोश्त को मैरिनेट करके रखना है। ये कम से कम 1.5 किलो गोश्त है और जो मसाला हमने पीसे थे उसमें से हम लोग 4 चम्मच मसाला डालेंगे और उसमें नमक डालेंगे और इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुकर में 1 कप ऑयल ले लेंगे। फिर उसके बाद ले लेंगे कुछ गर्म मसाले, जैसे 8-10 काली मिरी, 8-10 लौंग, 4-5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 3 दालचीनी के टुकड़े जो 2-2 इंच के हैं लगभग, और 2 तेज पत्ते। तो सबसे पहले तेल जब गर्म हो जाएगा तो ये गर्म मसाला इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाह, ठीक है। फिर ये जब थोड़ा सा गर्म मसाला तेल में क्रैकल हो जाएगा, फिर उसके अंदर हम लोग डाल देंगे 3 मीडियम साइज की प्याज जिसको हम लोग ने स्लाइस कर लिए है। अभी हम लोग नेक्स्ट जरा 1-2 मिनट रुक जाएंगे, फिर डालते हैं। देखिए जरा गरम मसाला का थोड़ा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। चलो सारी प्याज हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अभी ये जो प्याज है ना, इसको हम लोग का बिरिस्ता करना है, ठीक है। बिरिस्ता यानी डार्क ब्राउन कलर का। खिचड़े के अंदर हम लोग जब भी ये बनाते तो हम लोग को बिरिस्ते की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास तो थोड़ा बिरिस्ता बना हुआ पड़ा है ऊपर गार्निश के लिए। तो ये सिर्फ जो हम लोग इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं उसके लिए, तो 3 प्याज अप्रॉक्सीमेटली मीडियम साइज मेरे को बस हो जाएगी। और अगर आपके पास बिरिस्ता बना हुआ नहीं है तो आप 4 प्याज ले लीजिए और उसमें से तलने के बाद एक प्याज जितना निकाल लेना, ताकि जब आप गार्निश करो तो आपको काम आए। अभी इसको हम लोग बिरिस्ता कर लें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह बिरिस्ता होने के बाद। ये देखिए हल्का हल्का बिरिस्ता होने आ गया है, और बस 1-2 मिनट हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग को डार्क ब्राउन नहीं करना, यानी ये थोड़ा मतलब काला हो जाता है, वो ग्रेवी थोड़ी थोड़ी कड़वी लगने लगती है। बस ये एग्जैक्ट हो गया है हमारा बिरिस्ता। अभी हम लोग डाल देंगे ये जो मसाला था वो बचा हुआ,
इसका फ्लेवर इसका अच्छा है, ऐसा अच्छा लग रहा है ग्रीन और ब्राउन कलर। बस बिरिस्ता हम लोग को यही कलर का चाहिए, ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी करना नहीं। अभी इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है गोश्त, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से तेल में जरा गोश्त को चला लेंगे। ये देखिए गोश्त को जरा अच्छे से अपने को तलना है, जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये गोश्त अच्छे तरीके से तेल में तल चुका है, थोड़ा सा कलर भी चेंज इसका हो चुका है। अभी इसके अंदर डाल देंगे हमारे बाकी के पाउडर मसाले। फर्स्ट सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे हम लोग 1 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर डाल देंगे 4 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर डाल देंगे 5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और फीकी वाली मिर्ची मिक्स। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो, और इसमें वैसे भी हम लोग ने ग्रीन चिली जो पीसने में डाले थे मसाले में तो थोड़ा तेज तो इसमें आ ही चुका है, तो आप फिर भी अगर और तेज़ खाते हो तो और इसके अंदर रेड चिली ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से थोड़ा हम लोग भून लेंगे ताकि ये जो कच्चे मसाले की जो स्मेल होती है वो भी निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से हम लोग को इसको थोड़ा भून लेना है, क्योंकि जो भुनाई होगी अभी होगी, बाद में नहीं होगी। और देखिए फाइनली ये जो मेरा सादा ने अच्छे से भून चुका है, और देखो ये तेल कैसा ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट के ऊपर हम लोग को इसके अंदर गर्म पानी डालना है, ठीक है। अभी हम लोग डाल देंगे इसमें गर्म पानी, ज़्यादा भी डाल दोगे तो भी नो इशू, हम लोग को अभी भूनना नहीं है, बस खाली गोश्त को गलाना है। तो ये हम लोग ने डाल दिए इसमें पानी, पानी डाल दिए हैं। अभी एक बार खाली बस कुकर की साइड्स थोड़ी सी साफ करके हम लोग इसको विसिल लगा लेंगे। इसको 80% ही कुक करना है, इसको पूरा 100% हम लोग को कुक नहीं करना है। तो इसके लिए सेफर साइड के लिए मैं 3 फास्ट और 1 स्लो विसिल लेती हूँ, आप विसिल अपने गोश के हिसाब से कर सकते हो। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह विसिल होने के बाद। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि अभी तपीले के अंदर जितनी भी हमारी बॉयल चीज़ है उसको मिक्स करना है। सबसे पहले तपीले में जो हम लोग ने गेहूँ और चावल उबाल के रख दिए थे, सबसे पहले उसको डाल दिए, फिर ये दाल जो पीस के रख दिए थे जो बॉयल्ड थी ठंडी होने पर उसको भी पीस लिए थे, तो अभी इसको भी नेक्स्ट डाल देंगे। अब फाइनली जो सबसे लास्ट जो हम लोग ने बॉयल किए वो है गोश्त, अभी गोश्त को भी इसके अंदर डाल। ये देखिए माशाल्लाह, देखो कितनी अच्छी माशाल्लाह इसको तरी भी आ गई है, ये इसमें इसके साथ डाल देंगे। अगर किसी को ऊपर से तरी खाने की आदत है तो ये पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, नहीं तो अगर इसके साथ आप पूरा मिक्स कर लोगे तो ये खिचड़ा और अच्छा बनता है। ये देखिए अब इसको मिक्स कर लेंगे दाल गेहूँ और गोश्त, अभी ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अगर कम होगा तो थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना, ठीक है, थोड़ा सा कोथमीर पुदीना और गरम मसाला पाउडर। अब ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसको अभी गैस पे स्लो पे रख देंगे 15-20 मिनट, और फिर बस सर्व करेंगे। अब इसको 15-20 मिनट रख के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तरीके से गेहूँ का दाना अच्छे से फूट गया है या तो पक चुका है। अब इसको हम लोग इंशाल्लाह गैस पे रख देते हैं।
अच्छा 15-20 मिनट के बाद ये देखिए हमारा खिचड़ा हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखो, ये देखो इसके दाने भी अच्छे से फूट चुके हैं, बोटी भी अच्छे से गल चुकी है, और क्योंकि 80% गोश्त डन था तो इसके लिए इसमें इतना टाइम भी नहीं लगा। देखिए ऐसा धुआं भी निकल रहा है ना माशाल्लाह। चलो अभी इसको सर्व करते हैं। और अभी बस फाइनली इसको गार्निश कर लेंगे। ये थोड़ी सी जो मैंने तरी निकाल ली थी ये वो है, जो नहीं खाना चाहता है वो ना भी डाले तो चलेगा। और डाल देंगे थोड़ी सी कोथमीर पुदीना जो चॉप करके रखे थे वो, और बिरिस्ता, और फाइनली नींबू। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को खिलाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।